करनाल के पक्का खेड़ा गांव माजरा गांव में आग लगने से कई एकड़ गेहूं की खड़ी फसल जलकर नष्ट हो गई। इसके साथ में सैकड़ों एकड़ गेहूं के फांस भी जल गए। वहीं किसानों ने ट्रैक्टर और पेड़ों की टहनियों के साथ आग पर काबू पाया, जबकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर देरी से पहुंची और उसमें भी पानी पूरा नहीं था। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और वो भी 2 घंटे की देरी से पहुंची। इससे पहले ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पा लिया और आग को फैलने से रोक लिया। वहीं ग्रामीणों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि वे 100 नंबर पर और 101 नंबर पर फोन करते रहे, लेकिन उनके सूचना देने के 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। वहीं फायरमैन कुलदीप ने बताया कि हमें 1 बजे फोन पर मैसेज मिला था और उसके साथ ही हमारी एक गाड़ी निकल गई थी। गाड़ी ने आग पर काबू पाना शुरू कर दिया था और हम पीछे से आए तो रास्ते में एक ट्रैक्टर ट्राली जो तूड़ी बना रहा था उसमें आग लगी हुई थी, उस पर भी काबू पाया गया। वहीं उसका 15 से 20 लाख का नुकसान होते होते बचा लिया गया। इसी दौरान दूसरी गाड़ी वालों ने बताया कि खेतों में खड़ी फसल भी जली है और तूड़ी बनाने के लिए जो फांस थे वह भी काफी जल गए। हालांकि इसका पूरा आंकलन किया जा रहा है। फायरमैन ने बताया कि आजकल गेहूं कटाई का सीजन जोरों पर है और मामूली सी चिंगारी भी आग का कारण बन जाती है, इसीलिए लोगों से अपील की जाती है कि वह खेतों में आते जाते समय किसी प्रकार की चिंगारी ना डाले, क्योंकि किसान की मेहनत अगर किसी कारण से जलकर बर्बाद हो जाती है तो इसका नुकसान पूरे देश को होता है, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है जो पूरे देश का पेट पालने का कार्य करता है। लगी और क्या नुकसान हुआ? ये पक्का खेड़ा मोड़ से जो बाल पौने की तरफ रोड जाता है उसमें पक्के खेड़े गांव से जस्ट 1 किलोमीटर लगभग पक्के खेड़े की तरफ गांव की पास लगी है और उसमें ये है कि बीच बीच में ज्यादातर नाड़ था, बीच में 8-10 किले जो गेहूं है वो भी जड़ी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई थी, कम से कम 1.5-2 घंटे करीब लेट पहुंची। और कैसे बुझ जाए फिर आग पे काबू कैसे पाया? किसान एकता जिंदाबाद जी, सारे किसान मजदूर इकट्ठे होके बजा देती है। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।